Good morning, my viewers. Have a nice day. Today I give you 2 month ownership review on my Continental GT650. इसके बारे में आज मैं आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बताने वाला हूँ। अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो मेरा वीडियो देखने से आपको थोड़ा क्लियरफाई हो जाएगा कि 650 को GT650 को लेना है या नहीं लेना है। सो इससे पहले कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ आपको, लेट्स गो। GT650, इसका कुछ अच्छा है, इसका कुछ पॉजिटिव बताता हूँ। सबसे पहला इसका लुक्स अमेजिंग, इट्स लुकिंग फ्रीकिंग ऑसम। और सेकेंड चीज, इसका पैरेलल ट्विन इंजन बहुत रिफाइन है, इंजन जो बहुत स्मूथ है, बहुत टॉर्की है। और ये अपग्रेड हुआ है तो पहले स्टील रिम था, अभी एलॉय लाए तो पंचर का कोई इशू नहीं है। और दूसरा इसका, पहले हेलोजन हेडलाइट आता था, अभी आपका एलईडी लाइट आया है। तो एलईडी लाइट होने की वजह से आपका रात को राइड करने में इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ इतना सा ही है इसका पॉजिटिव। और हाँ, दूसरा चीज़ इसका प्राइस पॉइंट में अदर कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करते 4 लैक्स का अंदर। आरी ने सिर्फ ऑफर किया 650cc को अंडर 4 लैक्स। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका पॉजिटिव। हाँ, इसका कुछ नेगेटिव बात किया जाए तो इसका बाइक का ओवरवेट और इंजन बहुत गर्म है। और हाँ, ये बाइक साइड से आगे से सबसे सुंदर है, बस पीछे से इसको बर्बाद कर दिए। इसका डबल साइलेंसर जो इतना बाहर मोड़ दिया है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल इसका लुक्स खराब कर दिए। पर कोई बात नहीं, जो पसंद है उसको इग्नोर कर लेगा। बस निगेटिव कुछ नहीं है। तो मेरा 2 मंथ का रिव्यू भी है। अगर कोई इसे लेना है, लेने का प्लान कर रहा है तो ऑब्वियसली गो फॉर इट, ये बहुत अच्छा बाइक है। 650cc में कोई भी अदर ब्रांड ऑफर नहीं करता है इतना फ्रेश में, तो ले सकते हैं और 650cc का टॉर्क का फील कर सकते हैं। तो कुछ बात बताना हो तो मैं दूसरा व्लॉग में बताऊंगा। तो आज का मेरा वीडियो है बस इतना ही।